हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कालू डेयरी फार्म पर। दोस्तों आज हम आपको ये मंडी दिखा रहे हैं, जगराऊ मंडी है। दोस्तों जिला इसको लुधियाना पड़ता है, महीने में एक बार लगती है, 23 तारीख को लगती है। तो दोस्तों इस मंडी में बहुत ही भारी मात्रा में बढ़िया बढ़िया टॉप की क्वालिटी की गाय आती है, HF जर्सी जैसी भी आपकी डिमांड है। तो दोस्तों आज मंडी में एक गाय की डिलीवरी हो रही है। तो बहुत सारे भाइयों के, मान लो जैसे फार्म वाले होते हैं या किसान होते हैं, किसी को थोड़ी नॉलेज कम होती है कि गाय की डिलीवरी कैसे होती है, जब डिलीवरी हो जाती है तो इसको क्या देना चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। ये किसान भाइयों आज मंडी में गाय की डिलीवरी आपके सामने आपको वीडियो में दिखाई जाएगी। जो भाई साहब के इस गाय पास है वो डिलीवरी इसकी करवाएंगे। अब आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि बच्चे को कैसे खींचा जाता है, पीछे को, ऊपर को खींचा जाता है या नीचे को, जैसे भी वीडियो में आपको सब बताया जाएगा। तो आपको इसकी जानकारी और भी आगे देंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, पहले ये बच्चे के जो पैर होते हैं, पाँव होते हैं, उसको थोड़ा पकड़ के, तो इसको नीचे को खींचना चाहिए, ऊपर को नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के जब भी कारण डिलीवरी का पूरा टाइम हो जाता है तो गाय भी जोर लगाती है, और इसको बच्चे को थोड़ा नीचे को करके खींचना चाहिए। ये देखो हाथों में थोड़ा मिट्टी या कुछ भी लगा सकते हो, जो भी हो, तो तिलसन नहीं होती। ये देखो नीचे को पकड़ के पूरी जान से थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जब बच्चा आ गया देखो, नीचे को खींचना ज़रूरी है दोस्तों। ये देखो जब भी बच्चा बाहर आ जाता है तो इसको हम गाय के आगे ज़रूरी है इसको करना। ये देखो बच्चा, ये नाड़ुआ भी इसके साथ में ही है दोस्तों। देखो इसके मुंह से जो पानी होता है, जहाँ नाक में पानी होता है, तो उसको उसके मुंह से पानी भी निकालना चाहिए। ये देखो उठा के जो बच्चा होता है। दोस्तों आपको भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसको गाय के आगे करना बहुत ज़रूरी है। जब भी गाय की डिलीवरी होती है तो बच्चे को गाय के आगे करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा चाटेगी, बच्चे को ये देखो मुंह मारती है, तो इसको पता चलता है कि बच्चा है, नहीं तो बच्चे को भी थोड़ा दिक्कत, जैसे मान लो दूध देने में थोड़ा फिर दिक्कत करती है ये गाय। तो दोस्तों जब भी इसकी डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारे भाइयों, जैसे मान लो फार्म वाले जहाँ कोई किसान भाई के घर पे है, तो जब भी भाई, मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी डिलीवरी गाय की हो जाए तो उसकी जो जेर, जैसे ये मैली गिर रही है, तो इसको जब भी मान लो इसकी डिलीवरी होगी तो इसको जो ये मैली वाली एक दवा होती है, एक्स्ट्रा पार जहाँ कुछ और भी मेडिकल पे जा कर के इसको आधा लीटर या एक लीटर इसको पिला देना चाहिए, तो जो इसका जो मान लो शरीर में जो उसकी सब सफाई हो सकती है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? करमदीप सिंह। कौन सा पिंड है जी? हाँ जी कौन सा पिंड है? क्या देऊ भाई साहब, आज आपकी गाय मंडी में आप लेके आए थे तो इसकी डिलीवरी हुई है ना मंडी में? हाँ जी। तो आपसे थोड़ी जानकारी लेने चाहते हैं किसानों के लिए। जैसे आपने एक आदमी ने डिलीवरी गाय की करवा दी है, ठीक है, जैसे मान लो घर पे किसान होता है जहाँ कोई फार्म वाला है, तो उसके कई बार आदमी को थोड़ी नॉलेज कम होती है ना, तो हम थोड़ी नॉलेज आपसे लेना चाहते हैं। जैसे मान लो डिलीवरी होती है गाय की, तो बच्चे को थोड़ा नीचे खींचना चाहिए, यही कारण है ना, ऊपर को नहीं, जो मान लो जब गाय भी जोर लगाएगी और बच्चे को नीचे को खींचना चाहिए, है ना? ठीक है भाई साहब, ये तो होगी। एक दूसरी बात और बता दो कि जैसे मान लो डिलीवरी होगी, जैसे ये मैली गिर रही है गाय की, ये देखो पीछे से, तो इसके लिए जो इसकी सफाई हो जाए पूरे शरीर की, तो इसको क्या दवा देनी चाहिए? हाँ जी भाई साहब क्या देना चाहिए जी? यूट्रोटून दवाई, जैसे मेडिकल पे जाके मेडिकल वाले को बोल दें कि भाई साहब मैली वाली यूट्रोटून कंपनी है, उसकी दवा इसको आधा लीटर पिलाया जाए, तो इसका जो मान लो सफाई हो जाएगी शरीर की, पूरी मैली गिर जाएगी, क्योंकि दूध को बढ़ने की भी पूरी आसानी आ जाती है गाय में, पशु में, है ना? ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये आज की आपको जानकारी हमने दे दी है। ये देखो बच्चे को चाट रही है, बच्चा भी पूरी अपनी होश में आ गया है। ये देखो
तो इसको जो आधा लीटर है जो दोस्तों इसको ज़रूर पिला देना चाहिए। जिस भी किसान भाई के घर पे डिलीवरी होती है जहाँ फार्म में डिलीवरी होती है तो जो इसकी मैली की दवा होती है यूट्रोटून कंपनी होती है दोस्तों, तो अपने मेडिकल पे जाके स्टोर पे जाके उस पे बोल दो कि भाई साहब एक मैली वाली यूट्रोटून की दवाई दो, तो इसको दे देनी चाहिए दोस्तों जल्दी, क्योंकि आधा घंटा बाद 20 मिनट बाद ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा हो जाएगा कि इसकी जो शरीर की पूरी सफाई हो जाएगी, जो इसके दूध बढ़ने का जो कारण है वो पूरा बढ़ जाएगा, पूरा दूध बढ़ेगा इसका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना।